हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राकेश स्वामी एंड वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज़ ME या MA 202 सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी कि हम फ्लूइड की मैकेनिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। फ्लूइड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट अ फ्लूइड इज़। फ्लूइड एक उस पदार्थ का वो वाला टाइप है जिसमें कोई शेप नहीं होता, यानी कि फ्लूइड की को जिस भी वेसल में डालेंगे, जिस भी अपने बर्तन में डालेंगे, उस बर्तन का वो शेप ले लेता है। ऐसा सॉलिड में नहीं होता, सॉलिड का एक डिफाइनाइट शेप होता है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन इसी तरह से दी जाती है एक तरह से, दैट इज़ अ फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ शेयर स्ट्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल द शेयर स्ट्रेस मे बी। यानी कि अपने अगर फ्लूइड के ऊपर शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, वो शेयर स्ट्रेस कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, उससे वो डिफॉर्म जरूर होगा फ्लूइड। जैसे ये जो शेयर स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सॉलिड या फ्लूइड के ऊपर, तो सॉलिड भी डिफॉर्म होगा और फ्लूइड भी डिफॉर्म होगा। लेकिन जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा, आगे से आगे डिफॉर्म होता रहेगा, यानी कि ये कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। फ्लूइड को कितना भी डिफॉर्म कर लो, वो डिफॉर्म करता होता जाएगा एंड इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है कि कितना स्ट्रेस अपने अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग करते हैं सॉलिड वर्सेस फ्लूइड की। सॉलिड में एक डिफॉर्मेशन होता है जिसका अमाउंट जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा वो जी के द्वारा डिसाइड होता है, दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यानी कि सॉलिड्स होते हैं इलास्टिक इन नेचर, वेरेज जो फ्लूइड्स होते हैं वो उनकी डिफॉर्मेशन जो होता है, उनका डिफॉर्मेशन होता है वो डिसाइड होता है म्यू के द्वारा, दैट इज़ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि फ्लूइड होते हैं विस्कस। तो डिफरेंस अगर अपन अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें एक एग्जांपल के साथ, तो एक कॉयल स्प्रिंग एंड जो डैम्पर होता है एक सस्पेंशन सिस्टम में, एक कार के सस्पेंशन सिस्टम में जो कॉयल स्प्रिंग एंड डैम्पर का जो कॉम्बिनेशन लगाया जाता है, उसमें जो कॉयल स्प्रिंग है वो सॉलिड है एंड जो डैम्पर होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड है वो कंस्ट्रेंड पैसेजेस के थ्रू पास होता है, तो उसमें एनर्जी का डिसिपेशन होता है, सो दैट की जो मोशन एक बम्प देता है, कोई रोड पे एक बम्प आता है तो वो टायर्स को ऊपर की ओर धकेलता है, जिसके कारण कॉयल स्प्रिंग कंप्रेस होती है, जो कंप्रेशन होता है उसके कारण वो एक्सपेंड करने की कोशिश भी करती है उसी वक्त। तो उस एक्सपेंशन और कंप्रेशन की जो प्रोसेस होती है बार बार होती है, उसको डैम्प करने के लिए अपने डैम्पर लगाते हैं ताकि वो बार बार ना होती रहे, एक बार में वो हो जाए अपना काम। तो यानी कि शॉक एब्जॉर्बर्स है वो विस्कोसिटी के कारण, विस्कोसिटी यानी कि वो जो मोशन हो रहा है कंस्ट्रेंड पैसेजेस के थ्रू, उसको डिसिपेट करता है उसकी एनर्जी को ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन एंड कॉयल स्प्रिंग्स कंप्रेस एंड एक्सपेंड। तो अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, अनदर टाइप ऑफ मैटर इज़ विस्को इलास्टिक, दैट इज़ कुछ टाइप के मैटर होते हैं जो विस्कस भी होते हैं एंड इलास्टिक भी होते हैं, जो कि एक सॉलिड के रूप में भी रहेंगे और एक लिक्विड के रूप में भी काम करेंगे। जैसे उनके एग्जांपल है साइनोवियल फ्लूइड इन ह्यूमन नी जॉइंट्स एंड सिस्टम ऑफ स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो एज अ होल अपन अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं एज अ विस्को इलास्टिक मैटर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड जो है इसका एक डिफाइनाइट शेप होता है एंड लिक्विड्स जो है वो एक वेसल, जिस वेसल में डालेंगे आप उसका शेप ले लेगा, और गैसेस भी उसी तरह से जिस वेसल में डालेंगे उसका शेप ले लेगी। गैस, इनफैक्ट गैस तो एस्केप भी कर जाती है अगर वेसल कम्प्लीटली बंद नहीं हो तो। एंड सॉलिड इलास्टिक इन नेचर होते हैं, लिक्विड्स होते हैं वो विस्कस होते हैं, एंड गैसेस भी विस्कस होती हैं, लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी होती काफ़ी कम होती है। एंड सॉलिड स्पेसिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी स्मॉल होती है, दैट मींस कि वो क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं सॉलिड्स में, वेरेज लिक्विड्स में थोड़ी लार्ज होती है वो स्पेसिंग एंड गैसेस में काफ़ी लार्ज होती है, दैट्स व्हाई गैसेस ऑक्यूपाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स इन सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्ग,
लिक्विड्स में कंपेरेटिवली वीक रहते हैं और गैसेस में काफ़ी वीक रहते हैं इनके कंपैरिजन में। एंड सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है, मॉलिक्यूल्स जिस तरह से मोशन करते हैं होता है वाइब्रेशनल, एंड लिक्विड्स के अंदर जो वो मोशन होता है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। यही सेम टाइप ऑफ मोशन होता है गैसेस में, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। सॉलिड्स का वॉल्यूम जो वो होता है वो डिफाइनाइट होता है, वेयर एज लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी डिफाइनाइट ही होता है, वॉल्यूम तो डिफाइनाइट रहता है, वेयर एज गैसेस का वॉल्यूम इनडिफाइनाइट रहता है। गैसेस को कितने भी किसी भी वेसल में डालोगे उसका वॉल्यूम ले लेगी गैस, तो ये इनडिफाइनाइट रहे। एंड शेप ऑफ सॉलिड इज इनडिफाइनाइट डिफाइनाइट, सॉलिड का जो शेप होता है डिफाइनाइट रहता है, एंड लिक्विड्स का इनडिफाइनाइट होता है, जिस भी वेसल में आप डालेंगे उसका शेप ले लेगा ये, एंड गैसेस का भी इनडिफाइनाइट रहता है, जिस भी वेसल में डालेंगे उसका शेप ले लेगी गैसेस। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग से पहले कुछ अजम्पशंस लेते हैं हम, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, यानी कि अपने जिस भी वेसल में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं फ्लूइड की, तो उसमें उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर नॉट मॉलिक्यूल्स, द स्पेस जो होता है वो काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस नहीं रहते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं मैटर का, नो वॉइड्स और एम्प्टी स्पेसेस। इस कॉन्टिनम की अंडरस्टैंडिंग के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हाई वैक्यूम अगर कर दिया जाए तो उसमें स्पेसेस बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी सिग्निफिकेंट कंपेयर टू आर वेसल्स डायमेंशंस। एंड रेरिफाइड गैस फ्लो एनालिसिस, जो रॉकेट का एनालिसिस होता है इन स्पेस, जो उसमें रेरिफाइड गैस रहती है तो उसमें काफ़ी स्पेस होता है, रहता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसको अपने को कंसिडर करना पड़ता है। जो भी है, ये दोनों फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर नहीं आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम अज्यूम करते हैं। अनदर कंडीशन इज़ नो स्लिप कंडीशन, यानी कि अगर अपन फ्लो देख रहे हैं एक फ्लूइड का, तो वो फ्लो एक जिस भी सरफेस को टच कर रहा है तो उस सरफेस पर चिपका हुआ रहता है, वो लेयर जो है चिपकी हुई रहेगी, एंड इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड इटसेल्फ, जिस सॉलिड से वो फ्लूइड टच हुआ रहता है उसकी वेलोसिटी वो गेन कर लेता है, बाकी उससे दूर जाते जाते वेलोसिटी का वेरिएशन होता है, जो भी इंक्रीज हो रही होती है वेलोसिटी वो उससे दूर ही हो रही होती है। ओके, व्हेन फ्लूइड्स आर एट रेस्ट इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स, एंड अगर हम प्रेशर का एनालिसिस नहीं करते हैं उसके अंदर, प्रेशर फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं, तो वह फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहते हैं उसको। एंड व्हेन वी एनालाइज द प्रेशर फोर्सेस द ब्रांच इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। लेट्स स्टार्ट विद फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी, अपने मास डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी जो कि मास बेस्ड है, स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं अपने उसको, और ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इसकी यूनिट रहती है केजी पर मीटर क्यूब। लिक्विड्स में अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में जो डेंसिटी होती है उसको अपन कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं, जबकि गैसेस की जो डेंसिटी है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ अज्यूम टू बी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट अनदर प्रॉपर्टी, यानी कि वेट डेंसिटी, जो जैसे डेंसिटी अपने फ्लूइड की ली थी मास बेस्ड, वैसे ही वेट बेस्ड डेंसिटी ली अपने, जो कि वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वेट क्या होता है, mg, m होता है मास, mg हो गया वेट, तो एक g एक्स्ट्रा आ गया इसमें, जिससे ये रो टाइम्स g बन जाता है, एक g एज ए मल्टीप्लीकेशन आया है मास टाइम्स g, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि रो g हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो वेट जो डेंसिटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग होती है, क्योंकि जी का वेरिएशन जो है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी होता रहता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज़ वॉल्यूम पर यूनिट मास, दैट इज़, इसकी अगर अपने यूनिट देखें तो मीटर क्यूब पर kg है, दैट इज़ जो डेंसिटी होती है उसका रेसिप्रोकल है, तो दैट इज़ वी बाई एम एंड वन बाई रो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी,
स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि एक जो टेस्ट फ्लूइड अपने ले रहे हैं उसकी डेंसिटी पर यूनिट स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। स्टैंडर्ड फ्लूइड जो अपने लेते हैं वो या तो वाटर लेते हैं या फिर अगर गैसेस का एनालिसिस है तो उसमें एयर लेंगे या फिर हाइड्रोजन ले लेंगे, जिसमें वाटर की डेंसिटी अपने अज्यूम करते हैं 1000 एंड एयर की एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी अज्यूम करते हैं 1.225 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को अपने ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपने एज वेट डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ द टेस्ट फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ओके नेक्स्ट है जो प्रॉपर्टी अपने एनालाइज करेंगे वो है विस्कोसिटी की। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू विच फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर एडजेसेंट लेयर्स। डैट मीन्स कि दो लेयर्स अगर फ्लूइड की मोशन में है, अज्यूम कि ये एक लेयर है ये अनदर लेयर है, दो ये इन दोनों का मोशन इस साइड हो रहा है, तो नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो सरफेसेस से टच है, वो नो स्लिप कंडीशन के कारण उनका कोई मोशन नहीं है, ये थोड़ी लेयर जो है ये थोड़ी दूर है, दैट्स वाई इसका एक मोशन है, एक स्लो स्पीड है, ये वाली लेयर है इसकी थोड़ी स्पीड हायर है, तो इन दोनों की स्पीड के कारण एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस जो है इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। एंड इसका रीज़न होता है विस्कोसिटी का कोहेसिव फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन द लेयर्स। जो लेयर्स जो मोशन में हैं उसके उन में मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेशन होगा, एक अट्रैक्शन होगा उन दोनों के उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड ये जैसे दो लेयर्स मोशन में हैं तो उनके कारण मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर नीचे जाते रहते हैं, उसके कारण भी ये विस्कोसिटी का कारण बनते हैं। तो अपने अगर ये जो विस्कोसिटी है ये शेयर डिफॉर्मेशन जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आपने पहले पढ़ा था कि स्टैटिक अगर फ्लूइड है तो उसमें कोई विस्कस फोर्स नहीं होता, कोई शेयर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन जब मोशन में होता है फ्लूइड तो उसका जो मोशन शेयर डिफॉर्मेशन है उसको रेजिस्ट करता है ड्यू टू विस्कोसिटी फ्लूइड। द टॉप लेयर कॉजेज अ शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लोअर लेयर व्हाइल द लोअर लेयर कॉजेज अ शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट टॉप लेयर। सो इफ़ यू टेंड टू एनालाइज दिस डायग्राम, इस डायग्राम में एक सरफेस है ये, एंड उसके ऊपर जो है अपने फ्लूइड का मोशन है जिसकी वेलोसिटी फ्रॉम ज़ीरो टू एक फाइनाइट वेलोसिटी तक इंक्रीज हो रही है, एंड एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी वेलोसिटी यू टू डी यू इंक्रीज हो रही है इन अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ डी वाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि शेयर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन अपने वेलोसिटी ग्रेडियंट ही होता है जो कि वेलोसिटी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। तो न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि टॉय इज़ जो कि शेयर स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो हो जाता है म्यू, जो कि हाँ एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, दैट इज़ डायनेमिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एंड जिसका जिसे हम म्यू इक्वल टू टॉय बाई डी यू बाई डी वाई से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाइम्स सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाइम्स सेकंड या एनएस पर मीटर स्क्वायर एंड केजी पर मीटर सेकंड। अगर हम इसके इसको खोल के अगर देखेंगे यूनिट्स के अंदर तो वी गेट टू हैव दिस पास्कल टाइम्स सेकंड एज यूनिट, जो कि और ये SI में यूनिट है और CGS में यूनिट है इसकी पॉइज, जिसकी डिपेंडेंस है पास्कल सेकंड के साथ 0.1 पास्कल सेकंड, एंड पॉइज होती है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर अपने बात करें तो ये है डायनेमिक विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी, दैट इज न्यू इक्वल टू म्यू टाइम्स रो, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर CGS में स्टोक, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेसन।